Hi guys, my name is Kanchan and you're watching English Connection. Welcome to my class guys. Basic English Grammar Series का ये part है और आज है day 22 और आज आप सीखने वाले हैं future continuous tense के बारे में जिसे कि future progressive tense भी कहा जाता है. Guys, हर continuous tense की तरह ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन एक point यहाँ भी tricky होता है, जैसा कि मैंने आपको past continuous tense में बताया था कि जब एक काम के दौरान दूसरा काम हो जाता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस और साथ ही साथ पास्ट सिंपल की मदद से बनाते हैं. वैसे ही यहां भी जब एक काम हो रहा होगा उस दौरान कोई एक और काम हो जाएगा तो वहां पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस तो यूज करेंगे ही, साथ में प्रेजेंट इनडेफिनिट भी यूज करेंगे. तो इस टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनिट का भी यूज होता है. तो गाइज, अगर आपने पिछली वीडियोस मिस कर दी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इनडेफिनिट इन सबको देखना जरूरी है, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी. तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं. चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद देखें, पहले देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा. अब फटाफट लेसन की शुरुआत करते हैं और जो टिप्स मैं आपको दूंगी वो बहुत ही अच्छे होंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं. जब कोई काम शुरू होके कुछ समय तक, कुछ देर तक कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, वहां पे हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. अब क्योंकि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो भविष्य में, फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य में किसी समय पर कोई काम कंटिन्यू है, यानी कि आप उस काम के बीच में हैं. काम एक समय पर शुरू हुआ, एक समय तक चलेगा, अभी आप उसके बीच में हैं, तब आप इस टेंस का यूज करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा, यानी कि कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा. और ऐसे सेंटेंसेस की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा. तो आप इनसे इन्हें पहचान सकते हैं. अब मैं आपको बता दूं इस तरीके से कि मान लीजिए यह है टाइम बार पास्ट और नाउ यानी कि प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर. तो फ्यूचर में मान लीजिए कि 3 PM पे कोई मूवी शुरू होगी टीवी पे और वो कंटिन्यू होगी और 6 PM पे खत्म होगी. तो मैं यहां बीच में जो 5 PM है उस समय मैं टीवी देख रही होंगी, ठीक है. टीवी पे मूवी आ रही है तो जब 3 से शुरू हुई 6 तक आएगी तो 5 PM पे मैं टीवी देख रही होंगी. तो इसे मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं बोलूंगी आई will be watching TV at 5 PM tomorrow. तो 5 PM tomorrow ये समय का जिक्र हो गया और will be यहाँ पे helping verb लगा है. तो चलिए हम इसके structure को सबसे पहले देख लेते हैं. So जो positive या affirmative sentences होते हैं जिसमें कि not नहीं होता, कोई question नहीं किया जाता, उसका structure है कि सबसे पहले subject आ जाएगा, फिर will या फिर shall आएगा. जैसा कि मैंने आपको future indefinite में भी बता दिया है कि will और shall के क्या uses हैं. तो आप सभी subject के साथ I, we, you, they, he, she, it या फिर किसी के नाम के साथ, सब के साथ will का use कर सकते हैं और I और we के साथ आप shall का भी use कर सकते हैं. तो I और we के साथ दोनों ही सही माने जाते हैं. तो सब्जेक्ट विल या फिर शैल, उसके बाद इसमें नया क्या ऐड हो गया, बी. और उसके बाद जो वी वन होती है यानी कि बेस फॉर्म, उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे. और वी वन में जब हम आई एन जी ऐड कर दें तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि आगे के बचे हुए वर्ड्स, क्लियर. उसके बाद जब नेगेटिव में आएंगे तो स्ट्रक्चर वैसा ही है, विल या फिर शैल जो भी आप यूज करेंगे, उसके बाद बी के पहले यानी कि इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा. सिंपल, तो आप बोलेंगे विल नॉट बी, शैल नॉट बी, उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर उसी तरीके से. जब इंटरोगेटिव में आएंगे तो जगह एक्सचेंज होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, तो विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और बी. तो आप ध्यान दीजिए कि हम नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो विल बी और शैल बी सेपरेट हो जा रहे हैं. तो जो भी आ रहा है विल और बी के बीच में आ रहा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया बीच में, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट. अब इस चीज में आप एक चीज और समझिए, मैंने स्पेस भी छोड़ रखा है कि इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया. एक तो क्या से शुरू होने वाले जिसमें कि यस या नो में आंसर मिलेगा और एक में क्वेश्चन वर्ड भी आएगा.
तो अगर क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि कहां कब कैसे, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद विल शैल, आगे के सारे स्ट्रक्चर वही। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या एक्स्ट्रा आता है, इस सब्जेक्ट और बी के भी बीच में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद एक नॉट एड हो जाता है, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। और यहां भी अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इस स्ट्रक्चर से समझते हैं यहाँ पे कि आई क्या है, सब्जेक्ट। आई के साथ हमने विल भी यूज किया, आई के साथ आप शैल भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो। तो वॉच में आई एन जी एड कर दिया, वॉचिंग हो गया, इजी है। अब आइए नेगेटिव बना लेते हैं, आई विल, फिर नॉट आ जाएगा। I will not be watching TV. मैं टीवी नहीं देख रहा होगा। Will I be watching TV? ये interrogative है जिसमें कि will सबसे पहले आया है, फिर I, उसके बाद be. तो will और be के बीच में subject आ गया। इसका मतलब है कि क्या मैं टीवी देख रही होंगी, तो क्या से शुरुआत हुई। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे, तो आप बोलेंगे why, उसके बाद will I be। ध्यान दीजिए कि सभी स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ why पहले आ गया। Why will I be watching TV? मैं टीवी क्यों देख रही हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं क्या। उसके बाद अब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हो जाएगा Why will I not be watching TV? मैं टीवी क्यों नहीं देख रही हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने will और not को अलग अलग यूज किया। जब कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करेंगे, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि will not का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, won't, WON'T। तो यहाँ पे why के बाद हमने won't लिख दिया, फिर I लिखा, क्योंकि not जुड़ गया तो I से पहले आ गया। won't I be watching TV? तो मीनिंग वही है कि मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी, why won't I be watching TV? अगर हम यहाँ shall यूज करते तो यहाँ पे shan't हो जाता, SHAN फिर apostrophe T। Why shan't I be watching TV? या फिर why shan't I be watching TV? Shan't या फिर shan't, दो प्रोनंसिएशन है इसकी। अब ये आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो गाइज ये मैं आपको हर टेंस में बताती हूँ, यहाँ भी मैंने बता दिया। अभी आपने सिर्फ एक पॉइंट सीखा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक काम के दौरान, यानी कि एक काम हो रहा होगा तभी कोई और काम हो जाएगा, वो सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज द सेकेंड पॉइंट इज, एक काम को दूसरा काम इंटरप्ट करेगा। दैट मीन्स कि कोई एक काम हो रहा है, कंटिन्यू है, और उस बीच कोई एक काम हो जाता है। तो यहाँ पे एक रूल यूज होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लॉन्ग एक्शन है, यानी कि जो काम कंटिन्यू रहेगा, देर तक होगा, उसके लिए तो हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज करेंगे, और जो शॉर्ट एक्शन होगा, यानी कि जो थोड़ी देर के लिए बीच में होगा, उसके लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज करेंगे। तो सेंटेंस में देखिए अच्छे समझ में आएगा। जस्ट सपोज कि किसी ने पूछा कि जब मैं आऊंगा तो तुम क्या कर रही होगी, तो मैंने जवाब दिया कि जब तुम आओगी मैं खाना बना रही होंगी। ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट क्या करेंगे कि मैं खाना बना रही होंगी, ये लॉन्ग एक्शन हो गया, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव। तो व्हेन से हमने ये बताया कि जब तुम आओगे, भले ही ये फ्यूचर में होगा लेकिन हम इसे यूज क्या करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट, व्हेन यू अराइव। उसके बाद जस्ट सपोज कि ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब मूवी शुरू होगी तो आप सब क्या कर रहे होंगे, तो इस पे जवाब आता है कि जब मूवी शुरू होगी हम डिनर कर रहे होंगे, यानी कि रात का भोजन कर रहे होंगे। वील बी हैविंग, अब यहां वील हमने यूज किया तो इसका मतलब है वी विल। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट किया और ये बन गया वील। वील बी हैविंग डिनर, खाना खा रहे होंगे, व्हेन द मूवी स्टार्ट। तो द मूवी स्टार्ट, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना। इस तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इन्हीं का नेगेटिव बना लेते हैं, इसे हम बोलेंगे आई विल नॉट बी या फिर वोंट बी। आई वोंट बी कुकिंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे मैं खाना नहीं बना रही होंगी। या फिर विल आई बी कुकिंग व्हेन यू अराइव,
क्या मैं खाना बना रही हूँगी जब तुम आओगे। तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सब तरीके के सेंटेंसेस बनाए। अब इस पे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। वील बी हैविंग डिनर, हम क्या बोलेंगे? वील नॉट बी हैविंग डिनर, या फिर इसकी जगह हम बोल सकते हैं वी वॉन्ट बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स, इस तरीके से। या फिर क्वेश्चन में बनाना है तो सबसे पहले विल को ले आएंगे। तो इस तरीके से ऐसी बातों के लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें कि एक काम हो रहा है और दूसरे ने उसे इंटरप्ट किया। तो समय बताने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि जब आपने टाइम बता दिया केवल कि इतनी बजे या फिर इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते। इसको बताने का ये भी तरीका है कि जब कोई और काम होगा। तो वो चीज यहाँ पे हुई। मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशन जो कि इस टेंस में यूज होते हैं वो ये हो गए, जैसे नेक्स्ट टाइम, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने, एट दिस टाइम टुमारो यानी कि कल इसी समय। हम बोलते हैं ना कल इसी समय तुम क्या कर रहे होगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी रनिंग मैराथन, या फिर आई विल बी वर्किंग, एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी स्टडिंग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस में नहीं यूज कर सकते एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। अब कोई आपसे पूछे कि अगले साल इस समय तुम क्या कर रहे होगे, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, ठीक है? At 6 p.m. tomorrow, तो टाइम भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप इस तरीके के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि ये लिमिटेड है, इतना ही है, और भी बहुत सारे हैं। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ पाएंगे। द नंबर थ्री, सो द पॉइंट थ्री इज, जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे। तो यहां मैंने बताया था आपको कि एक काम हो रहा है, बीच में एक काम और हो गया, लेकिन इस केस में दोनों ही काम कंटिन्यू है, मतलब एक ही समय पे दोनों ही काम कंटिन्यू है। तो दोनों ही में हम यूज करेंगे प्रोग्रेसिव टेंस ही। तो जैसे कि वो टीवी देख रही होगी और मैं खाना पका रही हूँ, शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड आई विल बी कुकिंग डिनर। वो टीवी देख रही होगी और मैं खाना पका रही होंगी। तो इस तरीके से आप दोनों में ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो थ्री सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। अब गाइज ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की। तो गाइज अब चलिए मैं कराती हूँ आपकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस के जरिए। जहां मैंने आपको थ्री पॉइंट्स बताए तो उन्हीं थ्री पॉइंट्स वाले सेंटेंसेस मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम इनसे इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस सैटरडे। इसका मतलब है कि इस शनिवार को तुम क्या कर रहे होगे। सो व्हाट से शुरुआत हुई, ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, जवाब में आता है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सैटरडे, मैं इस शनिवार को क्रिकेट खेल रही होंगी। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे और हो जाएगा आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सैटरडे। अगर इसे कॉन्ट्रैक्शन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई won't be, तो I will not की जगह हम यूज करेंगे I won't, उसके बाद be से आगे सेंटेंस बन जाएगा I won't be playing cricket this Saturday, या फिर I और will को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं I'll, ठीक है? फिर ये नहीं आएगा, हो जाएगा I'll not be playing cricket this Saturday, तो I will का I'll बन गया। नेक्स्ट इज, ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स दिस ईयर, मतलब कि इस साल वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। तो ही विल बी प्रिपेयरिंग, तो विल और बी साथ में आए हैं, जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसके बीच में नॉट आ जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन वाले बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। आई विल बी राइटिंग एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख रही होंगी। तो किसी समय की बात करनी है, समय बताना है, तो आप आगे समय भी मेंशन करेंगे, और अगर सामने वाले को समय पता है कि आप कब की बात कर रहे हैं या उसने समय लगा के पूछा है, तो आप इतने पे ही सेंटेंस एंड कर सकते हैं। और इसी को अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, विल ही बी कमिंग हियर, क्या वो यहाँ आ रहा होगा। तो अगर इसमें समय ऐड करें तो हम बोल सकते हैं विल ही बी कमिंग हियर नेक्स्ट सैटरडे या फिर नेक्स्ट संडे, क्या वो अगले रविवार को यहाँ आ रहा होगा। विल ही बी कमिंग हियर एट दिस मोमेंट टुमारो, क्या कल इस समय वो यहाँ आ रहा होगा, ठीक है? तो ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है और विल से स्टार्ट हुआ है। अब अगर हम इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। विल ही नॉट बी कमिंग हियर, क्या वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं वोंट,
won't he be, तो not इसके साथ आके जुड़ जाएगा, contraction बन जाएगा, won't he be coming here, तब यहाँ पे not नहीं आएगा. Next is they will be eating their meals when you arrive. अब आप ध्यान दें कि ये when you arrive ये present indefinite use हुआ है, ये वो वाला sentence है जब एक काम दूसरे काम को interrupt करे, तो इस काम ने इसको interrupt किया. वे अपना अपना खाना खा रहे होंगे जब तुम आओगे, when you arrive. तो अगर इसे question में बनाएंगे तो will सबसे पहले कर देंगे ना, तो हो जाएगा will they, फिर ये यहाँ नहीं आएगा, will they be eating their meals when you arrive. अब अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा will they not be eating their meals when you arrive. तो जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, और जब आप कॉन्ट्रैक्शन में बनाते हैं तो नॉट इसके बाद नहीं आता, वो इसी में आके जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से. She will be singing a song. वो गाना गा रही होगी and we will be dancing. और हम नाच रहे होंगे. ये दोनों ही काम पैरेलल है, साथ में चल रहे हैं, तो दोनों में ही फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज हुआ है. अब इसमें नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो नेगेटिव बनाने में हम विल और बी के बीच में नॉट ऐड करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में हम बोल सकते हैं शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर शी वोंट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड वी विल नॉट बी डांसिंग, या फिर वी वोंट बी डांसिंग. द नेक्स्ट इज राम विल बी स्टडीइंग एट दिस टाइम टुमारो. कल इस समय राम पढ़ाई कर रहा होगा. नेगेटिव बनाएंगे राम विल नॉट बी स्टडीइंग, इंटरोगेटिव बनाएंगे विल राम बी स्टडीइंग, interrogative negative बनाएंगे will Ram not be studying, या फिर won't Ram be studying. इस तरीके से आप सब तरीके के sentence बना सकते हैं. I suggest you कि आप हर तरीके के sentence बनाया करें ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो जाए कि positive से negative, interrogative, ये सभी sentences कैसे बनते हैं. And last but not the least is he will be in America at this moment next year. अगले साल इस समय वो अमेरिका में होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कोई आईएनजी फॉर्म नहीं यूज की, मैंने सिर्फ इतना बोला ही विल बी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बता रही हूँ कि अगले साल इस समय वो अमेरिका में होगा. अगर मैं बोलती कि अगले साल इस समय वो अमेरिका में रह रहा होगा तो मैं बोलती ही विल बी लिविंग इन अमेरिका. ठीक है, तो वर्ब्स भी दो तरीके के होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स. तो एक्शन वर्ब जो होते हैं उसमें हम आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता, लेकिन कई सिचुएशन में जब वो किसी और तरीके से यूज होते हैं तो लगता भी. तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लर्नर्स के लिए. तो आगे के वीडियोस आप मिस ना करें, इसके लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो तो, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा गाइस, ताकि आप मेरे एक भी वीडियो मिस ना करें जो मैं आगे आपको दूंगी. ये एक सीरीज है और एक बेहतरीन सीरीज है जिसके जरिए आप शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं. सो गाइस इट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई, और पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसी छोटी छोटी अगर प्रॉब्लम से ग्रामर को लेके, इवन डेली यूज सेंटेंसेस के भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरीके से इंग्लिश शुरुआत से सीख के आगे बढ़ सके अपनी जिंदगी में. फिर मिलूंगी आपसे डे 23 में, और वहां आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.